बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं कंप्यूटर कॉम्प्लेक्स और टुडे हमारा जो लेक्चर है वो है एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसमें जो है आज हम जो है वो 10 से 15 लड़कों की जो है वो रिजल्ट शीट बनाएंगे और मल्टीपल पेपर्स की जो है वो डिफरेंट जिसमें डिफरेंट पेपर्स हो उसमें डिफरेंट मार्क्स निकले हुए हैं, उसमें जो है वो उसका ग्रेड फाइंड करना, उसमें परसेंटेज फाइंड करना, उसका पोजिशन फाइंड करना, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है हम इसमें करेंगे। सबसे पहले हम जो इसके हेडिंग लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं ये 2 से 3 जो है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे तकरीबन बस यही तक, ये भी कर लेते हैं, इसको हम मर्ज कर लेते हैं। यह है मर्जन सेंटर, इसको मर्ज कर लें और इसमें अब लिखाई कर लें कि रिजल्ट शीट लिख लें कि रिजल्ट और ये शीट। फ्रेंड्स ठीक है, इसके बाद जो है उसको अगर आप कोई फॉर्मेट वगैरह देना चाहते हो तो उसको बोल्ड वगैरह कर लें, बोल्ड कर लें। इसका साइज अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो साइज भी बढ़ा सकते हैं, ये बोल्ड हो जाएंगे। इसके बाद जो है यहाँ से हम उसका साइज जो है वो इंक्रीज कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कर लेते हैं 24, ठीक है। इसके बाद अगर आप फ्रंट फैमिली चेंज करना चाहते हैं तो उसका फ्रंट फैमिली भी चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कर लेते हैं ये होरी। इसके बाद अगर इसका जो है वो कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो कलर भी चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये के। अगर आप इसका बैकग्राउंड जो है वो ठीक है, इसके बाद यहाँ पर लिखें कि सीरियल नंबर या रोल नंबर, नंबर के बाद लिखे स्टूडेंट नेम या जिस नेम, उसके बाद फादर नेम, फादर नेम के बाद लिखे के पेपर्स का नेम लिखे, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश है, उर्दू है, मैथ्स है, साइंस है, इस्लामियात हैं, पाक स्टडी है, कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक और कर ले, इंग्लिश उर्दू मैथ साइंस इस्लाम मैथ पाक स्टडी, बस ये काफ़ी है। यहाँ पर लिख के टोटल मार्क्स, यहाँ पर लिख ले ऑब्टेंड मार्क्स, फ्रेंड मार्क्स। इसके अलावा जो है परसेंटेज फाइंड कर लें, परसेंटेज के अलावा जो है आप ग्रेड फाइंड कर लें, ग्रेड के बाद जो है आप पोजीशन फाइंड कर लें, ये चीज़ें पर अब इसको जो है वो आप जो है वो रिसाइज कर सकते हैं, ये ठीक है। नेम अगर पढ़ा हो तो इतना सा कर लें, इसी अगर पढ़ा हो तो इतना सा कर लें, बाकी ये ठीक है, ये ठीक है। टोटल मार्क्स, मार्क्स एंड परसेंटेज इनका जो है हम वो चेंज कर लेते हैं, रेफ टेक्स कर लें, सॉरी यहाँ से कर लें, इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर लें, इस तरह कर लें। आप डायरेक्शन वर्टिकल लेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, अगर इसके सारे का जिस तरह लें तो भी ठीक है, तो फॉर्मेट एक जैसा हो जाएगा, सबका डायरेक्शन जो है वो चेंज कर लें, ऐसे कर लें। अब जो है इनको सेलेक्ट कर लें, इनको भी बोल्ड कर लें ताकि वाजे नजर आए, ठीक है। यहाँ पर लिख के रोल नंबर, हाँ इसके बाद एक और काम से कर लें, इसको जो है वो सेंटर पे कर लें, सेंटर पे कर लें और से दरमियान में लाए, यहाँ से यहाँ लिख के 1, 2, 3 या 1, 2, 3 आप कर लेते हैं, कोई और सीरियल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ 2201, ये कर ले 2202 और 2203, फॉर एग्जाम्पल एक सीरियल हमने ले लिए, इसे सेलेक्ट कर लें और से इसे ट्रैक कर लें। मेरे ख्याल से हम कर लेते हैं 10-15 की जो है वो रिजल्ट शीट बनाएंगे। यहाँ पर नेम लिख लिया, फॉर एग्जाम्पल अली सियाम
रेहान अकरम अहमद जहान रियाज कासिम अमीन और एक असवर फादर नेम निकले जिस फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ अहमद इरशाद रियान अकरम या जावेद कर लें सुभान कर लें अकबर कर लें बख्त कर लें साहिब या सुहैब कासिम का जो है वो फादर नेम रख लें नसीम सीम ये कर ले अमीर का फादर नेम जो है वो आप रख ले रहे अरशद ये कर ले रशीद अब मार्क्स दे दें इंग्लिश में मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 56 66 56 45 67 66 56 45 34 ये कर ले 21 एंड सो उर्दू में भी मार्क्स दे दें 34 35 36 76 54 34 66 89 76 65 मैथ्स पे कर ले 90 91 87 76 75 63 73 26 71 और ये कर ले 47 साइंस पे दे दें 55 58 59 70 80 80 90 97 77 76 56 इसलिए मैथ कर लें 67 76 56 7 54 66 77 87 56 45 इसके बाद पक्षी का कर लें 22 34 56 7 66 78 65 अब टोटल मार्क्स देखते हैं हमने सभी सब्जेक्ट्स लिए हुए हैं फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 का टोटल मार्क्स 600 बनते हैं 100 मार्क्स पर जो है वो आप देख सकते हैं अब इसमें जी ट्रैक कर ले नीचे की तरफ ले अपने ट्रैक के ठीक है अब आप ब्रांड मार्क्स लें इज इक्वल टू ब्रांड मार्क्स इज इक्वल टू एस यू एम सम फार्मूला यूज करते हैं ब्रैकेट ओपन फ्रॉम इंग्लिश टू कॉलोन्स फ्रॉम टू पाक स्टडी ये सेलेक्ट हुआ है अब इसे ब्रैकेट क्लोज कर ले एंटर कर ले तो आप एंटर कर लेते हैं तो इसका सम जो है वो निकल आएगा तो ये आ गया 314 अभी नीचे सबको ड्रैग कर ले यहाँ से सबको ड्रैग कर ले सारा का रिजल्ट जो है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा हाँ इसके बाद परसेंटेज निकालें इज इक्वल टू परसेंटेज का फॉर्मूला है टेन मार्क्स डिवाइड बाई टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाई 100 2.33 परसेंटेज का और नीचे ट्रैक कर लें तो सर का परसेंटेज निकला जी अब इसके बाद ग्रेड कर ले तो ग्रेड का फार्मूला थोड़ा लंबा है इज इक्वल टू इसमें जो कंडीशन यूज होता है एफ कंडीशन एफ ब्रैकेट ओपन परसेंटेज इज ग्रेटर आर इक्वल टू
80 comma double quotes print a 1 double quotes a comma if bracket open if this L5 is greater or equal to 70 comma double quotes put a then bracket open sorry comma if bracket open same L5 is greater or equal to 60 comma double quotes b double quotes close comma if bracket open same L5 is greater or equal to 60 तो आ गए 50 comma double quotes ये लगा ले आप c double quotes comma if bracket open same L5 is greater or equal to 40 comma double quotes d double quotes close comma f bracket open L5 is less than 40 comma double quotes print fail double quotes comma sorry bracket close जितने ब्रैकेट हमने खोले वो हमने वापस क्लोज किए और एंटर कर लें तो ये आ गया ग्रेड सी में क्योंकि ये 52 में और यहाँ पर जो हमने 50 पर ग्रेटर लिखा है ग्रेटर आर इक्वल टू 50 यू कैन प्रिंट इट सी। अब नीचे जो है वो फार्मूला ड्रैग कर लें जिसका जितना भी हो उसका वही ग्रेट आ जाए सी 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 बी 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 ए बी बी सी ठीक है। अगर यहाँ पर मार्क्स जो है वो आप कम कर लें तो इसका जो है वो रिजल्ट खराब भी हो सकते हैं ये हो गए सॉरी ये फेल हो गए। अब यहाँ जो है वो डिग्रेड लाए तो ये से कर लें सिक्स थ्री सिक्स ये डिग्रेड पे आ गए। इसके बाद पोजीशन फाइंड करना चाहते हैं तो इज इक्वल टू रैंक ब्रैकेट ओपन डॉलर साइन ये लगा लें और या पे जो परसेंट टाइप पे जो है वो लगा लें सॉरी कर लीजिए कामा डॉलर साइन एल डॉलर साइन 5 colons dollar sign l dollar sign sorry जी हमने एंड लगाए हुए हैं इसको डॉलर साइन में चेंज कर लें या क्लिक कर लें डॉलर साइन जी एल है 14 ठीक है। अब इसको जो है वो ब्रैकेट क्लोज कर एंटर कर लें तो ये एट पोजीशन पे है और नीचे ड्रैग कर लें जिसका जो भी पोजीशन होगा वही पोजीशन निकलेगा। वन फर्स्ट नंबर जो है ये है 74 सेकंड नंबर जो है वो ये है 67 थर्ड नंबर पे जो है 66 एंड सो ऑन। तो दोस्तों ये थी हमारा रिजल्ट शीट ऑफ स्टूडेंट किसी हम स्टूडेंट के लिए जो है वो रिजल्ट शीट बनाते हैं तो आप कैसे बना रहे हैं इसको ऐसा कर ले कि इन सारों को जो है वो फिकर इसको मर्ज कर लें फिर से मर्ज कर लें ठीक है। अब इसको कंट्रोल ए कर लें तो बॉर्डर ले या आए यहाँ से जो इसका आप बॉर्डर ले सकते हैं लेकिन ऑल बॉर्डर ठीक है।
तो ये कोई बड़ा ज़बरदस्त जो है वो रिजल्ट शीट आपका बन गया है। हमारे साथ रहें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और अगले वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें, बार बार विजिट करें। अल्लाह हाफिज़ नासिर, शुक्रिया।